हेलो एवरीवन, दिस इज योर फैकल्टी फॉर सीए इंटर लॉ कुणाल मंधानिया एंड आई वेलकम यू ऑल टू अन अकेडमी सीए इंटर यूट्यूब चैनल। तो बेसिकली आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एक केस स्टडी का जिसका नाम है ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड। और ये केस स्टडी बेसिकली बात करता है अबाउट कंपनी एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो सर, इस केस में क्या हुआ? इस केस में ली ने एक कंपनी फॉर्म की जिसका नाम था ली एयर फार्मिंग लिमिटेड एंड इस कंपनी का मेन काम था एरियल टॉप ड्रेसिंग करने का, यानी हवाई रूट से फर्टिलाइजर्स और सीड्स को ड्रॉप करने का। तो ये कंपनी मस्त चल रही थी, इस कंपनी में मेजर शेयर होल्डर भी ली था, नंबर टू कंपनी का एमडी भी ली था, नंबर थ्री कंपनी का एम्प्लॉय भी एज अ चीफ पायलट ली था। तो दोस्तों हुआ क्या, वैसे तो कंपनी मस्त चल रही थी बट एक दिन जब ली काम कर रहा था, काम करते करते उसका प्लेन क्रैश हो गया दोस्तों और ली की डेथ हो गई। आई नो, ली की डेथ हो गई। अब क्योंकि कंपनी रजिस्टर्ड थी वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट में, तो ली की वाइफ ने इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम किया कि उसका हस्बैंड जो कंपनी में एम्प्लॉय भी था, वो कंपनी में काम करते हुए उसकी डेथ हो गई, तो बदले में उसे कंपनसेशन मिलना चाहिए। अब इंश्योरेंस कंपनी ने दोस्तों ये बोल के मना कर दिया इंश्योरेंस पे करने के लिए कि सिंस ली वॉज द मेजर शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, तो ली और कंपनी दोनों एक ही है, यानी ली ही कंपनी का एम्प्लॉयर भी है और ली ही कंपनी का एम्प्लॉय भी है, और क्योंकि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय यहां पे सेम है तो उन्होंने इंश्योरेंस का पैसा पे करने से मना कर दिया। अब दोस्तों मिसेस ली पहुंची कोर्ट में और कोर्ट में उन्होंने केस किया, तो कोर्ट ने बोला, माना कि ली के पास सारे शेयर्स थे एक्सेप्ट वन, माना कि ली कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर भी था और कंपनी का एम्प्लॉय भी था, चीफ पायलट भी था, बट जिस दिन से ली ने कंपनी फॉर्म की कंपनी अलग हो गई और ली अलग हो गया। सो कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी और इस केस में एम्प्लॉयर कंपनी है और ली नहीं है, एंड सिंस ली वॉज द एम्प्लॉय तो उसके डेथ पे उसे कंपनसेशन मिलना चाहिए। ऑलराइट, सो दिस वॉज अवर केस अबाउट ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड। ऐसे कई सारे इंटरेस्टिंग केसेस से जुड़े रहने के लिए ठीक है मेरे वीडियोज देखें और अन अकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।